रैन बसेरा में आप क्यों नहीं जाते हैं? आप सड़क किनारे क्यों सोते हैं रात में? ठंडा नहीं लगती? ठंडी लगती है। बाल बच्चा लेके अब लॉकडाउन में किराया पर रहते थे, मकान मालिक खाली करवा दिया, लॉकडाउन में पैसा दे नहीं पाए। ठंडा नहीं लगती आपको? ठंडा में मरता बेटा, कोई नहीं देता बूढ़ी को ओढ़ने की। अच्छा, यहाँ पे बचपने से रह गए भैया, गरीबी हम लोग का छा गया, कपड़ा बार बार के तापते हैं सर, इसके लिए हम लोग का कम्बल अम्बल देने का प्रयोग करें। कोई गुंजाइश सुनवाई नहीं है, ठंडा पाला में पड़े रहते हैं। भगाता भी है। हमारा पूजा नाम है जी। तो रात में आप लोग यही रहते हैं? हाँ भैया, ठंडा में हम लोग मर रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, एक आदमी पर एक चौकी और रजाई ओढ़ा ओढ़ा के सुता रहे। हम लोग को नहीं जाने देंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो गरीबों के लिए रैन बसेरा नहीं है? गरीबे का बना हुआ, बाकी नाम के लिए बनाए हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूँ आपके साथ अभय विशाल। इस वक्त रात के 10 बजने को हैं और हम पटना के गांधी मैदान के आसपास के इलाके में मौजूद हैं, और यहाँ पे हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे ऐसे लोगों को जिनका ना घर है ना रहने का ठिकाना है, वो कैसे अपनी रात गुजारते हैं। जब हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, उस टाइम पटना में, पटना की सड़कों पे किस तरह से लोग रात गुजारने को मजबूर हैं और किस तरह से वो अपनी रात बिताते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, इन सारी बातों को हम आपको आज दिखाएंगे। आइए हम मिलते हैं, यहाँ पे कुछ मौजूद हैं। ये देखिए, ये इनके बिस्तर हैं, आप देख सकते हैं। ये सड़क के किनारे अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं, और ये यूपी से आए हुए मजदूर हैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहारी के। आप बिहार के हैं? लखनऊ का। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? काम करते हैं, लेबर मिस्त्री। लेबर मिस्त्री काम करते हैं, काम करते हैं ना, रिक्शा कभी चला लिए तो। अच्छा, तो ये बताइए कि आप, आपका 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 घर द्वार नहीं है? घर द्वार नहीं है? घर द्वार होता तो सर घर नहीं चले जाते, घर द्वार नहीं है। तो कोई मतलब सरकार का पदाधिकारी आप लोग से मिलने नहीं आया? कोई नहीं, सब जाते और भगाती है। अच्छा, आप कहाँ का भैया? नगर निगम वाला भगाती है। कौन नगर निगम? यहाँ पटना का नगर निगम आपको भगाते हैं? ये झाड़ू देने वाला भगाती है। अच्छा, तो आप गए थे उनसे वहाँ पे क्या? हम नहीं गए थे भैया, भगाते हैं तो हम लोग सामान हटा लेते हैं, फिर शांत के लिए आते हैं। अच्छा, कोई सूद बूद लेने नहीं आता आपको? सरकार के अधिकारी कोई नहीं आता आप लोग के पास? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ श्याम। अच्छा, हाँ जी। आप अभी यही इनके साथ ही रहते हैं? सब वहीं के, सब उधर के, यूपी के। अच्छा, लेकिन वो भी यूपी के बेचारा, उधर अपना बतिया रहा है ना, यूपी के। अच्छा अच्छा, तो आप जरा ये तस्वीर दिखाइए, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि सड़क किनारे ये लोग अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। दिसंबर की रात है, कड़ाके की ठंड है, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हमें घर में उतना ठंड लगता है तो ये रात में सड़क किनारे कैसे रहते होंगे, और इनके विषय में पदाधिकारी क्या सोचते हैं। हम और भी लोगों से आपको मिलवाएंगे और उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। गांधी मैदान के आसपास के इलाके में हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रात गुजारने को लोग मजबूर हैं। रात के इस वक्त 10 बजने को हैं, कड़ाके की ठंड है, दिसंबर का महीना है, आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? जब्बार जी। अब्दुल जब्बार। अच्छा, कहाँ कराने वाले हैं? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ कराने वाले हैं, तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम लोग मांगने खाने वाला आदमी। मांगने खाने वाले हैं, तो रैन बसेरा सरकार ने बनवाया है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? हाँ बाबू, रैन बसेरा में आप क्यों नहीं जाते हैं? आप सड़क किनारे क्यों सोते हैं रात में? ठंडा नहीं लगती? ठंडी लगती है। ठंडी लगती है ना, तो फिर रैन बसेरा में क्यों नहीं जाते हैं? जाना चाहिए ना बाबा। रात में, रात का समय है, ठंड का मौसम है, आप यहाँ सड़क किनारे हैं, सरकार रैन बसेरा की व्यवस्था करवाई है ना, आप नगर निगम वालों से बात कीजिए और रात में वहीं जाइए। चलिए, आइए इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये परिवार नजर आ रही है, देखिए। क्या नाम है आपका? हम लोग करण। करण, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोनभद्र। सोनभद्र के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप रात में यहीं सोते हैं आप लोग? हाँ। और आपका परिचय? हमारा पूजा नाम है।
जी, तो रात में आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ भैया, ठंडा में हम लोग मर रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार का कोई अधिकारी आप लोग से मिलने नहीं आता है? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं आता है हम लोग से मिलने के लिए। दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड है, रात 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 में आप लोग जब यहाँ रात गुजारते हैं तो कोई अधिकारी सूद बूद लेने नहीं आता आप लोगों को? जी नहीं, कोई रोकता नहीं है यहाँ पे रहने से? नहीं, नहीं रोकता। तो ये सड़क किनारे की जिंदगी है, हम आपको बताना चाहेंगे। आप जरा ये देखिए, ये बुढ़ी माँ है, ठंडा नहीं लगती आपको? ठंडा में मरता बेटा, कोई नहीं देता बूढ़ी को ओढ़ने की। अच्छा, तो आप रैन बसेरा में क्यों नहीं जाती? कहाँ जाएगा, वहाँ पर कहाँ मिलता है बेटा? तो मतलब यहाँ सड़क किनारे आप ठंडा में है रात को, कोई सरकार का अधिकारी आपसे मिलने नहीं आता है? नहीं, कोई मना नहीं करता आपको यहाँ रहने से? मदद करता है जी। क्या परेशानी, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको? ठंडा में मरता, खाने बिना मर रहा है ये रोड पर, का वही परेशानी है बेटा, कुछ मदद करो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, सोनभद्र। अच्छा, सोनभद्र के, यूपी के रहने वाले? हाँ, यूपी का। तो यहाँ आप लोग क्यों आए हैं? उधर नहीं है खाने पीने की, तो यहाँ चले आए। और यहाँ भी इनकी जिंदगी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ की यही सच्चाई है, इससे ना आप इनकार कर सकते हैं, ना हम इनकार कर सकते हैं, और ना हमारी सरकार इनकार कर सकती है। कि आप देख सकते हैं, इसे नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं, ये देखिए ये छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा, क्या नाम है बाबू? सावन। पवन। सावन। रात में ठंडा नहीं लगती यहाँ? इनके अपने परिवार के साथ रहते हो? मच्छरदानी लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ पे मच्छरदानी जहाँ लगा है। अच्छा चलो, तुम्हारे माता पिता से बात करते हैं। तुम कान में टोपी नहीं लगाए हो, तुमको ठंडा नहीं लग रहा है? टोपी नहीं है घर में? नहीं। यहाँ देखिए ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ किस लिए आए हैं आप? यहाँ पे बचपन से रह गए भैया, गरीबी हम लोग का छा गया, कपड़ा बार बार के तापते हैं सर, इसके लिए हम लोग का कम्बल अम्बल देने का प्रयोग करें। अच्छा, तो फिर आप लोगों के पास सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आता? कोई गुंजाइश सुनवाई नहीं है, ठंडा पाला में पड़े रहते हैं, भगाता भी है, रैन बसेरा में नहीं जाते हैं, क्या नहीं देता, वीआईपी बना दिया, खाली नाम के लिए, गरीब के लिए बने ले। हाँ, तो मतलब वो सिर्फ नाम का है वहाँ? आप लोग को अलाउ नहीं है रहना? हाँ, यहाँ हल्ला गाड़ी बेलगाता हम लोग को। कौन भगाता है यहाँ? हल्ला गाड़ी वाला, ठंडा पाला में बच्चा लेके ई पट्टी से ऊ पट्टी भागो। मतलब आप लोग वही तो, रात के 10 बज रहे हैं, दिसंबर का महीना है, ठंडा तो बहुत लगता होगा? बड़ी ठंडा लगता है, आग ताप ताप के बिहान करते हैं। क्या करें, क्या करते हैं आप सर? आइए जरा इधर आइए। रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? आइए, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं, यहाँ रहते हैं। और ये आप ही का परिवार है? हाँ, बाल बच्चा लेके लॉकडाउन में किराया पर रहते थे, मकान मालिक खाली करवा दिया, लॉकडाउन में पैसा दे नहीं पाए। यही सच्चाई है, और इस सच्चाई से बार बार मैं कह रहा हूँ कि ना हम पीछा छुड़ा सकते हैं, ना आप पीछा छुड़ा सकते हैं, और ना हमारी सरकार पीछा छुड़ा सकती है। ये गरीब परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर है, प्रशासन का कोई अधिकारी इनका सूद लेने नहीं आता है। हम प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को रैन बसेरों में जगह दी जाए। रैन बसेरा में आप लोगों को भगाया जाता है का? नहीं सर, लेडीज को वहाँ रहने नहीं देता, जेंट्स को, जेंट्स रहता है उसको आधार कार्ड खोजता है। कुछ लोग कह रहे थे कि भगा रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं। आधार कार्ड मांगता है वहाँ तो सब बाहर बाहर के जेंट्स होता है। अच्छा। लेडीज को कोई साधन, लेडीज को नहीं रहने कहला हुआ। तो लेडीज के लिए कुछ अलग से रैन बसेरा का व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, हम लोग यहीं रहने दिया जाए ना, हम लोग यहीं ठीक रहे। यहाँ भी नहीं रहने दिया जाता? नहीं, यहाँ। हाँ, मेन बात क्या है कि ठंड का मौसम है, तो जब यहाँ से, अच्छा जब यहाँ से आपको भगाया जाएगा तो फिर आपको रैन बसेरा में तो जगह दी जाएगी ना रहने के लिए? अगर नहीं जगह रहेगा तो यहाँ भी रहने देगा ना, तो हम लोग काट लेंगे, गुजारा कर लेंगे। हो सकता है कि रैन बसेरों में रहने के लिए आपको कहा जाता हो तब यहाँ से भगाया जाता हो, ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं, वहाँ रहने के लिए नहीं बोला जाता है। बोला नहीं है, हम लोग कैसे आपको? आइए जरा यहाँ, आप, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा आप जरा ये तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। देख सकते हैं किस तरह से रातें खुली आसमान के नीचे, खुली आसमान के नीचे सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं ये सब। आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड है, अभी ठंडी हवाएं चल रही है, आप जरा देखिए ये आस कुछ नहीं है इनके ऊपर,
इनके ऊपर छत के नाम पर सिर्फ खुला आसमान है, आप देख सकते हैं। और ये इनका बिस्तर, यहाँ पे सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर, और इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। आइए जरा आप इधर देखिए किस व्यवस्था में लोग सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं हम आपको, बिल्कुल जमीनी सच्चाई, जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात गुजारने को मजबूर हैं, सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर है जो ये इन प्रवासी टाइप लोग कहेंगे इन्हें हम, क्योंकि ये कोई गोरखपुर से आया है, कोई सोनभद्र से है, कुछ बिहार से भी हैं, यूपी के मजदूर हैं। और इनका कहना है कि हमें गरीबी है, खाने को कुछ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा है। लेकिन यहाँ भी इनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि इनके लिए कोई रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं है, और अगर है भी तो क्या कारण है कि ये रैन बसेरों में नहीं जा रहे हैं। रैन बसेरा में क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? आप बोलेंगे तभी ना जाएंगे, ऐसे कैसे चल जाएंगे जी? बोलेंगे रहने के लिए जब ही ना जाएंगे। अब वीआईपी लोग सो रहे हैं, उसमें कैमरा लगाए हुए हैं, खाली बढ़िया बढ़िया आदमी को सुता रहे हैं, एक आदमी पर एक चौकी और रजाई ओढ़ा ओढ़ा के सुता रहे हैं। हम लोग को नहीं जाने देंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो गरीबों के लिए रैन बसेरा नहीं है, गरीबे का बना हुआ है, बाकी नाम के लिए बनाए हुए है। तो ये महिला, क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो सुनीता नाम है, सुनीता। हाँ तो देखिए ये महिला बहुत बड़ी बात कह रही है कि बनाया गया है गरीबों के लिए ही ये रैन बसेरा, लेकिन इसमें बड़े अमीर लोग रह रहे हैं, पैसे वाले जाते हैं, रिक्शा ठेला वाला भी सो रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए अभी तक। तो इसमें भी दबंगा ही चल रहा है का? लेडीज के लिए रैन बसेरा नहीं बना हुआ। देखिए जरा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतना छोटा मासूम बच्चा कितना साल का है? ये 6 साल का। ये इसके कान में टोपी नहीं है? नहीं है कान में टोपी नहीं है। ठंडा नहीं लग रहा इसको? ठंडा लग रहा है। टोपी नहीं है आप लोग के पास? नहीं है बच्चा का। और तुमको भी टोपी नहीं है? टोपी मेरे पास है। टोपी है तो लगाओ टोपी, ठंडा ना है? देख रही है ना किस तरह से हवा चल रही है, दिसंबर का महीना है, हवा चल रही है ना, ठंड से बचना है ना। हम लोग सर यही गुजारिश है कि यहीं रह दिया जाए, हम लोग यहीं पर अपना गुजारा कर लेंगे, वहाँ नहीं रहने बेसारा में नहीं हो जगह मिलेगा तो हम लोग यहाँ कैसा जीवन काट लेंगे। अच्छा काट लेंगे। तो ये सच्चाई है, हम इस वक्त गांधी मैदान के आसपास के इलाके में मौजूद हैं और हम आपको बिल्कुल ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। सड़क किनारे रात गुजारने को किस तरह से मजबूर हैं ये लोग, हम आपको ये सब दिखा रहे हैं। और ऐसे में हालांकि जो बातें सामने निकल के आई है, कुछ लोगों का कहना है कि रैन बसेरा है लेकिन वहाँ पे दबंग ही चल रही है, वहाँ पे मतलब रिक्शे वाले हैं या जो भी हैं दबंग टाइप के लोग उसमें हैं और हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि महिलाओं के लिए जगह नहीं है रैन बसेरों में, तो महिलाओं के लिए कुछ अलग से अगर व्यवस्था हो जाए तो ये भी सही होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से सड़क किनारे रात गुजारने को ये मजबूर हैं, गरीब हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अभय विशाल, बिहारी न्यूज़।